मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करेगा, स्मॉल करंट्स को मेजर करेगा, स्मॉल करंट्स को मेजर करेगा। ऐसा नहीं है कि 3 एम्पियर करंट, 4 एम्पियर करंट, 10 एम्पियर करंट, नहीं, 10, 5 कुछ नहीं मेजर कर सकता। ये मिली एम्पियर के अंदर ही मेजर कर पाता है, 2 मिली एम्पियर, 0.2 मिली एम्पियर, बहुत छोटे करंट्स को ये मेजर कर सकता है। बड़े करंट के लिए फेल है, नहीं कर पाएगा। और इसका नाम मूविंग कॉइल क्यों है? क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर हम कुछ कॉइल लेते हैं, एक नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसमें, और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। और जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और करंट इसमें से पास होता है तो ये टॉर्क जनरेट करता है। तो जब कॉइल अंदर पड़ा हुआ टॉर्क जनरेट करेगा तो ऑब्वियसली इसका नाम क्या होगा, मूविंग कॉइल, क्योंकि कॉइल क्या कर रही है, इसमें मूव कर रही है, कॉइल मूव कर रही है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या चीज है? इट इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट। तो एक सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए काम आएगा। वैसे इसमें स्मॉल करंट लिख सकते हो ब्रैकेट में, टू मेजर स्मॉल करंट लिख लेना, करंट में तो बड़े करंट भी आ जाते हैं जो मेजर नहीं कर पाएगा, तो लिखने लिख लो स्मॉल करंट्स, ठीक। तो इसका अगर कंस्ट्रक्शन के अंदर देखें तो इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर ये तो बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर तो ध्यान मत दें, बॉक्स तो जैसा भी है, इसके अंदर ये मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ एंड साउथ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है। यहां पर क्या पड़ा हुआ है, एक क्वाइल पड़ा हुआ है, यहां पर एक क्वाइल पड़े हुए हैं और क्वाइल एक स्प्रिंग के साथ ऊपर कनेक्टेड है। अब लॉजिक क्या है इसका मैं बताता हूं। और ये क्वाइल किसके ऊपर लपेट रखा है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेट रखा है। ऐसा क्यों किया इसका आंसर भी बाद में दूंगा। तो बेसिकली अगर मान लो एक करंट आ रहा है आए और मुझे इस करंट को मेजर करना है, बहुत छोटा करंट है आए, इसको मेजर करना है। अब मेरे पास एक मशीन होनी चाहिए जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। तो मैं क्या करूंगा, इसका इस करंट को यहां से एंटर करवा दूंगा, ये करंट इसमें घूमेगा घूमेगा घूम के फिर बाहर इस वायर से होता हुआ बाहर चला जाएगा। क्योंकि अगर आप करंट आई को मेजर करवाना चाहते हैं तो मशीन में तो पास करना पड़ेगा, और वो मशीन का नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर। इसको तोड़ के देखोगे तो ऐसा दिखेगा पूरा। तो इमेजिन कर पा रहे हो कि आई करंट जो है इस मशीन में से पास करके बाहर निकलेगा। अब हुआ क्या, जो करंट आपने मेजर करना है आई करंट, वो इसमें से पास किया, ये इसमें लूप्स हैं। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप पड़ा हुआ है, लूप कैसे पड़ा हुआ है, लूप ऐसे पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे है, ऐसे है। तो ये बताओ कि लूप ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल क्या बनाया, जीरो। मैग्नेटिक ये जो पूरा प्लेन है, प्लेन ऑफ मैग्नेटिक लूप इज लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बोलो टॉर्क एक्सपीरियंस क्या होगा, मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम होगा तो जीरो होगा, फिर तो घूमेगा नहीं, तो फिर करना क्या बैठ के, तो घुमाऊ से मैक्सिमम। तो याद करो टॉर्क का टॉपिक, टॉर्क का टॉपिक क्या था, टॉर्क निकालने के दो फॉर्मूले थे, एन बी आई ए कॉस थीटा, एन बी आई ए साइन अल्फा। थीटा का मतलब होता था एंगल बिटवीन लूप एंड फील्ड, तो इसमें लूप और फील्ड में एंगल कितने हैं, जीरो। तो एन बी आई ए कॉस जीरो, तो कॉस जीरो 1 होता है मैक्सिमम। और कोई दूसरा फॉर्मूला लगा रहा है साइन वाला, तो एन बी आई ए साइन 90, अगर थीटा जीरो है तो अल्फा 90 है, करवाया था ये। तो इसको जान के हम इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करके रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं ताकि टॉर्क एक्सपीरियंस इस पर क्या हो, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये डायग्राम है, इसमें और कुछ नहीं है, ये स्प्रिंग, चलो कोई बात नहीं। अब ये कॉपर की वायर्स हैं, कॉपर की वायर, अब ये कॉपर की वायर है, लेकिन ये जो वायर है ये कॉपर की वायर नहीं है, ये एक फॉस्फरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप है। उसका रीजन है, होगा क्या, नीचे जो कॉइल है उसमें आपने करंट पास किया फिर बंद कर दिया, फिर पास किया बंद, ये पूरा दिन यही करता रहेगा। टॉर्क है तो घूमेगा, नहीं है तो वापस आ जाएगा, टॉर्क है घूमेगा, नहीं है वापस आ जाएगा। अब सोचो ये जो वायर है इसके साथ क्या हो रहा है, अब नीचे का कॉइल ऐसे घूम रहा है, ऊपर की जो वायर है वैसे घूमेगी। नीचे का कॉइल जब ऐसे घूमेगा, नीचे का कॉइल जब ऐसे घूम रहा है तो ये वायर एक्सिस पे घूम रही है। एक आम कॉपर की तार लो, उसको ऐसे ऐसे करो, टूट जाएगी। तो अपने को ये वायर ऐसी चाहिए जो पूरा दिन घूमती रहे चाहे, पर टूटे ना। तो ये वायर एक स्प्रिंग हो सकता है, स्प्रिंग ऐसा मटीरियल जो इलास्टिक है, जो घूम जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, पर टूटेगा नहीं। क्लियर है यहाँ तक?
तो इसलिए इस मटेरियल को क्या लिया, फास्फोरस ब्रॉन्ज का लिया, ये स्प्रिंग मटेरियल है तो समझो ये स्प्रिंग लगा रखा है, ठीक है यहाँ तक। अब क्या लॉजिक है, कई लोग ये सोचते हैं कि करंट आया ये इसने गोल 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 घूमना स्टार्ट कर दिया, कैसे गोल, एक टर्न दो टर्न तीन टर्न गोल गोल घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना नहीं घूमता, इतना दम 2 mA का करंट है, तुम क्या सोचो पंखा बन जाएगा इसके अंदर घूमने के लिए, इतना कितना घूम जाएगा, हल्का सा डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, डिफ्लेक्ट करना बस। अब आपको अगर आप गैल्वेनोमीटर लेके आए आपको थोड़ा ऐसा दिखेगा, आपको डिब्बा दिखेगा, उस डिब्बे के ऊपर एक मीटर बना होगा, जैसे मीटर नहीं होता वो कार का स्पीडोमीटर है, एमीटर का मीटर है, घड़ी का मीटर है, ये टिक्स लगे हुए हैं इस पर, तो उस पर क्या होगा ऐसा कुछ मीटर लगा होगा, ये देखो ये ऐसा, आपको कुछ नहीं दिख रहा, मीटर का टॉप दिख रहा है, नीचे बॉक्स है, उस मीटर में ऐसे डिवीजन होंगी और एक नीडल होगी जो ऐसे डिफ्लेक्ट करके आपको बताएगी कि करंट 0 से लेके 5 mA में से कितना करंट है, जहां वो सुई रुकेगी उतना करंट है, ऐसे होता है मीटर तो ऐसे दिखते हैं, तो सुई नीडल लगी होगी जो घूमेगी और जहां रुकेगी उतना मिली एम्पियर करंट। अब होगा क्या, ये वो नीडल है, ये वो नीडल है और ये नीचे का कॉयल है जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, जब आपने करंट पास किया डिफ्लेक्शन हो रही है, ये ऊपर नीडल ऐसे लगा देते हैं, नीचे का ये कॉयल छुपा देते हैं, होता क्या है जब नीचे का कॉयल में करंट पास होता है वो घूमता है, आप नीडल देख रहे हो, नीडल घूम रही है, आपको लगता है देखो ऑटोमेटिक मशीन है, 2 mA करंट है, 4 mA करंट है, लेकिन वो कह रहा है नीचे जितना करंट 2 से 4 mA है टॉर्क उतना ही ज़्यादा है, नीचे का कॉयल उतना घूम गया सुई उतनी घूम जाएगी, और करंट है और घूम जाएगा, कम करंट है कम घूमेगा, तो आपको सिर्फ ये दिख रहा है, बस ये घूमता हुआ दिख रहा है मीटर, पर नीचे से कॉयल रोटेट कर रही है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं होगा पूरा टर्न घूम गया, भाई पूरा टर्न घूम गया मीटर घूम इतना सकता है, तो इससे ऊपर क्या घूमेगा, तो आप ये ना सोचेंगे पूरा 360 घूमेगा, नहीं घूमेगा, हल्का घूमेगा बस इतना कि घूमता रहेगा, स्मॉल करंट्स को मेजर करेगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो इमेजिन कैसे करना है, दिखता कैसा है और होता कैसा है, दिखता कैसा है वो तो दिखाई नहीं रहा, होता कैसा है अंदर ऐसा है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज़ क्या करना है, कॉन्सेप्ट ये यूज़ करना है, इसमें मान लो इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, हम नंबर ऑफ टर्न्स जितने मर्जी रखें हमारी मर्जी है, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होने से एक फ़ायदा होता है, टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर मान लो कल को करंट बहुत ही छोटा है 0.02 mA है और पता लगे उसमें टॉर्क जनरेट ही नहीं हुआ, सुई जीरो पे खड़ी रह गई, आपको कहे कोई करंट ही नहीं है, तो आप चाहते हो कि 0.02 A में भी काफ़ी टॉर्क जनरेट हो, आप करंट तो बढ़ा नहीं सकते, करंट तो है ही 0.02, किसको बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स को, नंबर ऑफ टर्न्स से टॉर्क अपने आप आ जाएगा, सुई अपने घूम जाएगी, तो कम करंट पे भी आप टॉर्क जनरेट कर सकते हो। तो इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ए एरिया ऑफ ईच टर्न है, आई करंट जो पास करना है वो करंट है, और के फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह यहाँ पर टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, क्यों उसका आंसर मैं देता हूँ क्यों, पहले इस चीज़ को समझ लो, जब आपने आई करंट इसमें पास किया तो टॉर्क इसमें मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि मैंने बताया एंगल कॉस जीरो क्या हो जाएगा, कॉस जीरो वन, या साइन 90 क्या हो जाएगा, वन, तो आपने इसमें एंगल ही ऐसे एडजस्ट किया हुआ है कि टॉर्क इसमें मैक्सिमम, और मैक्सिमम टॉर्क कितना है, एन बी आई। अब एक चीज देखो, ये ऊपर एक स्प्रिंग है, ये कहते हैं नीचे कॉइल कह रही है मैं घूमूंगी, एन बी आई ए, ये कहते हैं ठीक है तो घूम, मैं ऐसे ट्विस्ट हो जाऊंगा, स्प्रिंग ट्विस्ट हो जाएगा, अब क्योंकि है तो स्प्रिंग, जितना ट्विस्ट करोगे उतना रुकना स्टार्ट हो जाता है, होता नहीं है ये थोड़ा है जितना मर्जी घूम जाएगा, स्प्रिंग है उसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है जिसको वापस लेके आती है, ऐसा ही तो होता है। तो जैसे हमने स्प्रिंग के अंदर क्या डिस्कस किया हुआ है, जैसे एक स्प्रिंग है, आप जब स्प्रिंग के कोई फोर्स लगाते हो तो स्प्रिंग के अंदर उल्टी फोर्स डेवलप हो जाती है, कितनी, एफ इज इक्वल टू के एक्स, तो आप फोर्स लगा रहे हो एफ और स्प्रिंग की फोर्स कितनी है, के एक्स, के फॉर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, तो आप शुरू में तो आराम से फोर्स लगाते हो, बाद में लगानी मुश्किल हो जाती है और एकदम रुक ही जाते हैं स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर खूब रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है, आपको रुकना पड़ता है और रुक जाते हो तो आपकी अप्लाइड फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल हो जाती है, ऐसे ही है इसके अंदर, सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें स्प्रिंग लीनियर मोशन में नहीं है, स्प्रिंग एंगुलर मोशन में है, इसमें ट्विस्ट कर रहा है,
जब वो घूम रहा है एंगुलर मोशन में है, तो स्प्रिंग में क्या डेवलप हो जाएगा? रिस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क घूमने में, टॉर्क लीनियर मोशन में, फोर्स रोटेशनल मोशन में टॉर्क, तो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो गया, जो कि किसके इक्वल होगा? के इंटू क्या बोलो? एक्स नहीं, थीटा एंगल, क्योंकि लीनियर मोशन में अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर मोशन में थीटा डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे होगा। तो इसमें क्योंकि स्प्रिंग घूम रहा है तो इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला के इंटू थीटा। तो लीनियर मोशन में ये फॉर्मूला लगता है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। एंगुलर मोशन में रिस्टोरिंग टॉर्क है, और इस कांस्टेंट का नाम स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं होता, इसका नाम है टॉर्शनल कांस्टेंट, नाम भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स के साथ टर्म यूज होती है, टॉर्क के साथ टॉर्शनल कांस्टेंट यूज होता है, बात एक ही है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आप एक चीज़ देखें, इसमें आपने करंट पास करके उसमें टॉर्क जनरेट करवा दिया, और जो स्प्रिंग है उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो गया, जो कि किसके प्रोपोर्शनल है? कितना स्प्रिंग घूम रहा है, घूमने को एंगल बोलते हैं, और एंगल को या तो थीटा लिख लो या अल्फा लिख लो, तो मैंने क्या लिख लिया इसमें? अल्फा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना है? के टाइम्स अल्फा। एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा? इक्वल। अगर लूप यहां पड़ा हुआ है ऐसे होने पे, इतने एंगल पर मान लो रिस्टोरिंग टॉर्क और आपका टॉर्क बराबर, तो लूप वहीं रुक जाएगा, बस इसके ऊपर घूम नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इक्वेट कर दें, इक्वेट करके कितना स्प्रिंग घूमा, अल्फा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कितनी हुई, इतनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई, ये फॉर्मूला आ गया डिफ्लेक्शन का। और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, उससे पहले एक चीज देख लो, जितना ज्यादा देखो एन बी ए के सब कांस्टेंट है, जितना आप करंट इसमें आई पास करोगे डिफ्लेक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। कम करंट है एंगल कम होगा, ज्यादा करंट है एंगल ज्यादा घूम जाएगा। और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट आ जाएगा आई। अब आपको क्या करना है, मान लो गैल्वेनोमीटर में करंट मेजर करना है, अगर गैल्वेनोमीटर में आपको करंट मेजर करना है तो के स्प्रिंग टॉर्शनल कांस्टेंट फिक्स होता है, जो मटेरियल पे डिपेंड करता है, एन नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट ने फिक्स दिया हुआ है, एरिया ऑफ कॉइल फिक्स्ड है, ये सब कांस्टेंट है। तो आपको सिर्फ करंट पास करके क्या निकालना होता है? अल्फा, कि आपकी कॉइल कितना डिफ्लेक्ट हुई, बस। अगर आपको डिफ्लेक्शन पता लगी उतना उसमें करंट है, जो करंट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट मार्क करें, करंट की वैल्यू न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। ठीक, तो यहां से करंट कैन बी कैलकुलेटेड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसमें ये सब कांस्टेंट को लिखा जाता है जी, तो जी का मतलब के अपॉन एन बी ए, तो इसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या फिर करंट रिडक्शन फैक्टर। तो जी का मतलब करंट रिडक्शन फैक्टर या गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्लियर है यहां तक? मेनली जो करंट का फॉर्मूला है, क्योंकि के अल्फा बाय एन बी ए, ये फॉर्मूला याद करना है। अब एक और टर्म है जो पेपर में आ जाती है, फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट कुछ नहीं है, जी को ही फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या फिगर ऑफ मेरिट एक ही बात है। तो फिगर ऑफ मेरिट क्या चीज़ है? कितना ये जो के अपॉन एन बी ए, अब के बाय एन बी ए, अगर आप यहाँ से देखें के अपॉन एन बी ए को कैसे लिख सकते हैं? आई अपॉन एल्फा। तो अल्फा को इधर लेके आएंगे तो के बाय एन बी ए, तो यानी कि के बाय एन बी ए या आई बाय अल्फा एक ही बात है। तो फिगर ऑफ मेरिट निकालने के दो फॉर्मूले हो गए, ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट निकालने के दो फॉर्मूले हो गए, या तो के बाय एन बी ए या फिर आई अपॉन अल्फा। अल्फा का मतलब कितना डिफ्लेक्शन में प्रोड्यूस हुआ। ठीक है यहाँ तक? तो ये आपका क्या है, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर की थ्योरी। तो इसमें अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो आपने क्या लिखना है इसमें, पहले तो क्या है ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, फिर आपने प्रिंसिपल जरूर लिखना है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क। टॉर्क डिपेंड कर
टॉर्क प्रोड्यूस होगा विच टेंड्स टू रोटेट द कॉयल एंड प्रोड्यूस एंगुलर डिफ्लेक्शन. तो वो टॉर्क क्या करेगा, कॉयल को एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करके देगा. क्लियर है यहाँ तक? तो प्रिंसिपल लिखेंगे, इसके बाद कंस्ट्रक्शन में दो चार लाइनें लिख के इसमें डायग्राम ड्रॉ करेंगे. इस डायग्राम के अंदर एन ए आई के डिफाइन करेंगे, टॉर्क्स को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके करंट की वैल्यू निकालेंगे.